नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म A1 एजुकेशनल हब में। दोस्तों आज का यह वीडियो मैं आपके लिए मैथ का शानदार वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे। यानी आपके लिए 15 ऐसे क्वेश्चन जो हर बार UPTT में पूछे जा चुके हैं, तो UPTT और सुपर TT वाले छात्र सभी तैयार हो जाएं। हम लोग शानदार तरीके से पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। दोस्तों तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल कितना है, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग फल कितना होगा। आप ये बच्चों वाला यार सवाल है, क्या है यहां से आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की कौन सी हो जाएगी, 4 बार 9-9 लिख दीजिए और यही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी बृहत्तम संख्या हो गई। न्यूनतम संख्या यानी छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 4 अंकों की 1000 हो जाएगी। अब आप जोड़ लीजिए, यहां से सीधे तौर पर जोड़ लीजिए, आपका 10999 यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ें दोस्तों अगले सवाल की तरफ। सेकंड नंबर दोस्तों आपका सवाल है, शानदार सवाल है, 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान है। बहुत अच्छा सा सवाल है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। 496 योग आपको 318 यानी इसको इसमें जोड़ देना है। तो 496 आप लिखिए और 318 लिखिए, जोड़ दीजिए। 8 × 6 = 14 का 4 हासिल 1, 9 × 1 = 10, 11 के 1 हासिल 1, 4 × 3 = 7 और 1 = 8, आपका 814 हो गया। अब 814 देखिएगा, इसे आपको राउंड ऑफ करना, नियरेस्ट आपको राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 100 में यानी सैकड़े में मान पूछ रहा है। तो जो भी पूछता है दोस्तों उससे एक पहले का देखते हैं। इसमें देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, दहाई का अंक देखेंगे। दहाई का अंक यदि दोस्तों आपको मैं सब कुछ डिटेल में बताता हूं, जैसे आपकी यह फर्स्ट ट्रेन है, इसमें 1, 2, 3, 4 इतने नंबर होते हैं। सेकंड में आपका क्या होता है, 5, 6, 7 और 8 ये नंबर आपके होते हैं। तो यहां से देखना होता है, जैसे जो पूछेगा उससे एक पहले आप देखेंगे और एक पहले आपका, जैसे इसमें एक है तो एक किस में, फर्स्ट वाली ट्रेन में, तो आपको इसका 0 लिख देना है, इसका भी 0 लिख देना है और इसमें कुछ नहीं जोड़ना है। 800 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अगर यहीं पर आपका ये अंक कोई ऐसा होता जैसे 6 यहां पे होता तो क्या हो जाता, आपका सेकंड ट्रेन में हो जाता, तो सेकंड ट्रेन में होता, सेकंड गाड़ी में होता, तो आपका ये 0 हो जाता, ये भी 0 हो जाता और 8 में आप एक जोड़ देते, 900 हो जाता। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नंबर शानदार सवाल है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती, तो समांतर रेखाएं दोस्तों कौन सी होती हैं जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो, फिक्स हो, एक नियत दूरी हो, बराबर रहती है, वो रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेदित ना करें, काटे ना, वो क्या होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। जैसे आपकी मैं कहूं क्या ये समांतर रेखा है, तो आप कहेंगे जी नहीं, ये समांतर रेखा नहीं है, क्योंकि अगर मैं बढ़ा दूं रेखाओं को तो ये इस पॉइंट पे काट देगी, तो ये समांतर रेखा नहीं रहेगी। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है वो ट्रेन की पटरी होती है, हमेशा बीच की दूरी दोस्तों बराबर रहती है। तो जिनके बीच के, जिन दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर हो, सदैव फिक्स हो, वो क्या होती हैं, समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस होती हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आपका ऑप्शन हो जाएगा, बराबर रहती है बीच की दूरी, दो रेखाओं के बीच की दूरी बराबर रहती है, वो आपकी समांतर रेखाएं होती हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, आपका 0.008 का घनमूल क्या होगा, यानी क्यूब रूट आपको बताना है। तो क्यूब रूट बताना है, तो सबसे आसान तरीका है दशमलव संख्याओं का क्यूब रूट यानी घनमूल निकालने का। क्या करते हैं दोस्तों, पॉइंट हटाइए और पॉइंट के बाद नीचे कितने 0, जितने दशमलव के बाद अंक उतने नीचे 0। अब आपका बहुत आसान हो चुका है क्यूब रूट निकालना। 8 दोस्तों हम जानते हैं किसका क्यूब होता है, 2 का होता है। यहां से देखेंगे 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का होता है। तो अब आपका क्या है, 2/10 है, इससे हम लोग दोस्तों पॉइंट 2 भी तो लिख सकते हैं, और पॉइंट 2 लिखते ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। तो आपका 0.2 कहें या 0.2 कहें, फिलहाल इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 0.2। बढ़ेंगे दोस्तों आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है,
अगला सवाल आपका है संक्रिया, आपका संक्रिया 9+7 डिवाइड बाई 4×5 इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन आपके पास चार दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों बार आपका जो ब्रैकेट है, बार सॉरी बार नहीं है ब्रैकेट है जो, उसे सॉल्व कर लेना है। तो 9 और प्लस आपका कितना हो जाएगा 7, 9 7 16 हो जाएगा डिवाइड बाई 4×5। अब बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, 16 को भाग करते हैं, सबसे पहले डिवीजन करते हैं, तो 16 को भाग करेंगे 4 से, तो आपका 4 हो जाएगा और ये 5 बचेगा, 4 5 आपका 20। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 20 सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, शानदार तरीके से बहुत अच्छे। हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन शानदार तरीके का क्वेश्चन है, 3 पेंसिल का मूल्य कितना है 20 है, तो 6 दर्जन का मूल्य क्या होगा। तो अब देखेंगे यहां से, बहुत शानदार सवाल है। 3 पेंसिल का मूल्य, 3 पेंसिल 20 रुपए की, तो 1 पेंसिल आपका 20/3 रुपए की। क्लियर है, तो 6 दर्जन का मूल्य यानी आपका 6 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती, 1 दर्जन में 12 होती हैं, तो 6 दर्जन में 72 हो जाएंगी। क्लियर है, 72, तो एक जब एक आपकी पेंसिल का मूल्य इतना है, तो 72 का कितना होगा, तो 20/3 × 72 हो जाएगा, और 3 से काट देंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, और 24 और 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 20 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 × 2 = 48 और 0 आपका 480 आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी, 480 रुपए हो जाएगा 6 दर्जन पेंसिलों का मूल्य। बढ़े दोस्तों 7 नंबर सवाल की तरफ। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपका, 7 नंबर क्वेश्चन है 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, 7 और 13 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। तो आपका ऑप्शन दिया गया है, बहुत शानदार सवाल है, ऑप्शन दिया गया है 5, अनंत या 6 या 7। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में, ये तो 7 और 13 है, दो परिमेय संख्याएं जैसे 2 और 1 आपका हो गया, या 3 या 4 आप ले लीजिए, इनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो याद कर लीजिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, और परिमेय संख्याएं होती क्या है, जो a/b के रूप में लिखी जाए, और b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है, अगर मैंने 4 लिखा तो यह परिमेय संख्या है, लेकिन अगर 4/0 लिख दिया तो यह परिमेय संख्या नहीं है। जैसे 2 लिखा तो यह परिमेय संख्या है, क्योंकि कैसे, मैंने कहा a/b के रूप में लिखी जा सकती है, तो यार इसे बटा में 1 भी लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई भी इस पे इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने 0 कर दिया तो यह अपरिमेय हो जाएगा। अच्छा, पाई क्या है, पाई आपका अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय है, लेकिन अगर मैं 22/7 की बात करूं तो यह परिमेय है। क्लियर है, तो फिलहाल दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर आ जाए एग्जाम में तो टिक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें सारा कुछ हम आपको बता रहे हैं। 42 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, पूछा गया क्वेश्चन है, तो 2 से काट दीजिए, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 3 से काटिए, 3 × 7 = 21 और 7 × 1 = 7, ये सारे अभाज्य गुणनखंड ही तो हैं। तो यहां से अभाज्य गुणनखंड आपका ऑप्शन क्या सही हो गया, बी सही हो गया। क्लियर है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट हो गया, यहां से 3 अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। 9 नंबर आपका सवाल कह रहा है, 9 नंबर क्या सवाल है, 70/560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल है। अब अगर ये पेपर दोस्तों आप अच्छे से कर पा रहे हैं, आपकी समझ में आ रहा है, तो निश्चित मानिए कि बेसिक चीजें हैं, और आपके 15 नंबर यहां से इसी आपके इसी वीडियो से क्लियर हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आपका सेम आ जाए, लेकिन हाँ यह निश्चित है कि इस टाइप के आपके 15 क्वेश्चन निश्चित होते हैं, जो बहुत इजी होते हैं। क्लियर है, तो इसमें 5 का स्थानीय मान कितना होगा, भाई इकाई दहाई सैकड़े पर 5 है तो 5 लिख लीजिए। अब 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 6 का दहाई पर है तो आपका 6 × 10 हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, 60 हो गया। अब इनके स्थानीय मानों का गुणनफल कितना है, 6 × 5 = 30 हो जाएगा, और ये 3 0
आप उतार दीजिए, 3 जीरो उतारेंगे तो आपका 30,000 हो जाएगा। फिलहाल ऑप्शन आपका कौन सा, सी वाला सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ, 10 नंबर सवाल की तरफ। 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 6/5 में कितने 1/10 है। अब बहुत अच्छा सा सवाल है, कई सारे लोग चक्कर खा जाते हैं इस सवाल में, तो 6/5 में कितने 1/10 है, तो 6/5 को भाग कर दीजिए 1/10 से। और भिन्नों का भाग अगर आपको नहीं आता तो वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाकर प्लेलिस्ट में जाइएगा और देख लीजिएगा। और हां, टेट के भी जितने भी वीडियो मैं आपको दे रहा हूं सारे एक पास आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा कि आप सब कहां से जुड़े हैं और आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो यहां से 6/5 को 1/10 से भाग करें तो क्या हो जाएगा, आपका 6/5 ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, 6/5 ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, और 1/10 को पलट देंगे तो आपका 10 हो जाएगा, बीच में गुणा का निशान लगा देंगे। ये होता भाग करने की ट्रिक भिन्नों की, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 6 × 2 आपका 12। फिलहाल ऑप्शन आपका कौन सा सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, 12 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों 11 नंबर सवाल की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, संख्या अनुक्रम में अगली संख्या क्या है, जैसे 1, 1 फिर 2 फिर 3, 5, 8, 13 अगला नंबर कौन सा होगा। तो देखेंगे बहुत अच्छा प्यारा सा सवाल है, 1 में 1 जोड़िए 2, 2 में 1 जोड़िए 3, 3 में आप 3 में 2 जोड़िए 5, 8 में 5 जोड़िए 13, 13 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका फिलहाल क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, और शानदार तरीके से आपने सॉल्व किया है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक मैंने नहीं बोला है लेकिन अब लास्ट चल रहा है आपका वीडियो, लास्ट में आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही धांसू वीडियोस के लिए। और आपका ईवीएस और मैथ का शानदार कॉम्बिनेशन चलता है A1 एजुकेशनल अब के स्टडी प्लेटफॉर्म पर दोस्तों। तो क्या है, अब आपका इसमें सही आंसर आ गया 21। बढ़ेंगे अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर दोस्तों आपका शानदार सवाल है, आपका सवाल है 15 मजदूर एक पानी की टंकी को 12 दिन में बनाकर पूरा करते, तो उसी टंकी को 20 मजदूर कितने दिनों में पूरा करेंगे। ऑप्शन 16 दिन, 10 दिन, 8 दिन, 9 दिन। तो आपको कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, एक चीज आपने पढ़ी होगी M1D1, नहीं पढ़ी है तो आज पढ़ लीजिए, M1D1 बराबर M2D2 पढ़ा होगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें मैन कितने M1 यानी आपके आदमी कितने 15, दिन कितने लगाते 12, सीधे आप वैल्यू पुट करेंगे आंसर लेंगे। M1 यानी M2 आपका कितना है 20 और D2 आपको निकालना है। तो यहां से आप क्या करेंगे, कैंसिल करना शुरू कीजिए, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 4 × 3 = 12, 3 और 3 की गुणा हो जाएगी 9 हो जाएगा। तो D2 फिलहाल आपका 9 आ गया, क्या आ गया, 9 दिन आ गया। ऑप्शन आपका क्या, D सही हो गया। क्लियर है, शानदार तरीके से देखिए, बिल्कुल फैंटास्टिक तरीके से क्लियर हुआ। अब आपका क्या है, 13 नंबर सवाल है, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो ट्रिक से लगाएं शानदार तरीके से, औसत क्या है 20 है और संख्याएं कितनी है 7, तो 3 इधर छोड़ दीजिए और 3 इधर छोड़ दीजिए, आपकी क्या हो गई, संख्याएं 7 हो गई, 3, 3, 6 और 1 बीच वाली। अब क्या है, इसके 20 के बाद क्या आएगी, क्रमागत है ना, क्रमिक संख्याएं हैं, तो आपका 20 के बाद 21 फिर 22 फिर 23 आपका हो जाएगा, इधर आपका 19, 18 और फिर 17 हो जाएगा। तो फिलहाल सबसे बड़ी संख्या देखिए कौन सी हो गई, 23 हो गई। तो शॉर्ट ट्रिक से हमने 1 सेकेंड में फाइंड कर लिया, फिलहाल आपका आंसर हो जाएगा 23 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला दोस्तों आपका 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 30 मिनट में घड़ी की घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा। तो आपके पास ऑप्शन है 10 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री या 180 डिग्री। तो सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, क्या है, 30 मिनट में घड़ी की घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण, घंटे की सुई दोस्तों 12 घंटे में 360 डिग्री तय करती है, आपका कोण बनाती है। क्लियर है, 12 घंटे में ही तो 360 डिग्री का कोण बनाती है, पूरा घूमती है। तो आपका 1 घंटे में कितना कोण हो जाएगा, 12 घंटे में 360, तो 1 घंटे में 360/12 हो जाएगा, 12 × 3 = 36 और 0 आपका 1 घंटे में 30 डिग्री कोण हो जाएगा। तो आप आधा घंटा बोलें या 30 मिनट बोलें तो आपका कितना हो जाएगा, 1 घंटे में 30 डिग्री तो आधा घंटे में 15 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन फिलहाल आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। शानदार तरीके से
क्लियर हुआ, बहुत अच्छे। यहां से बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्या क्वेश्चन आपका कह रहा है, 272 और स्क्वायर माइनस 128 स्क्वायर, इसका वर्गमूल कितना होगा, इसका क्या पूछ रहा है, वर्गमूल कितना हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, ए माइनस बी और ए प्लस बी इंटू में आपका होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्लियर है। तो ए प्लस बी करते हैं हम लोग, ए प्लस बी करेंगे तो 400 आ जाएगा, और ए माइनस बी अगर कर दें हम लोग तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहां से 20 हो जाएगा और यहां से आपका 12 हो जाएगा, और इसकी कर देंगे गुणा तो 12 दुनी 24 और जीरो उतार देंगे तो आपका 240 आ जाएगा, और ऑप्शन आपका बी है 240 वाला, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो आज का ये वीडियो दोस्तों अगर शानदार लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और शानदार वीडियो का इंतजार कीजिएगा। आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है आपको बाय कम्युनिटी, तो आप वेट कीजिएगा एक और शानदार वीडियो का। ईवीएस और आपका मैथ का धांसू कॉम्बिनेशन चलता है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, आपसे मुलाकात होगी, तो तब तक पढ़ते रहिए अच्छे से और आप तैयारी में लगे रहिए क्योंकि एग्जाम आपका पास में आ चुका है। तो दोस्तों सबके लिए ऑल द बेस्ट और मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।